नमस्कार मातृशक्ति, प्रेगनेंसी एंड केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मातृशक्ति, प्रेगनेंसी में कुछ भी खाने से पहले उसके बारे में जानना, उसे पहचानना बहुत जरूरी होता है। हमारे कुछ युवक दर्शकों ने हमसे पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान जामुन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जामुन एक बहुत ही पौष्टिक फल माना जाता है और यह कई बड़ी बीमारियों को दूर करने में कारगर होता है। ये औषधि के रूप में भी बहुत प्रचलित है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जामुन खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं और जामुन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन सबको जानकर आप बड़ी आसानी से खुद निर्णय कर सकते हैं कि जामुन हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आइए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने एक नया YouTube चैनल क्लासिकल एंड फ्यूजन के नाम से शुरू किया है, जिसमें हम आपको संगीत और कला के काफी सारी विधाओं के नोट्स देंगे ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें, आपके बच्चे सीख सकें और साथ ही साथ गायन वादन और नृत्य के द्वारा आप अपना मनोरंजन भी भरपूर प्रकार से कर सकें। आप एक बार चैनल पर जरूर आए, देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जामुन बहुत मीठा स्वादिष्ट फल होता है। महिलाओं के मुंह का स्वाद प्रेगनेंसी में ज्यादातर खराब ही रहता है, उस दृष्टि से जामुन उनको बहुत पसंद आ सकता है। इसमें बहुत से औषधीय गुण भी होते हैं। जामुन को ब्लैकबेरी, काला जामुन, जमाली, रामजन आदि नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। जामुन में आयरन, फाइबर और विटामिन भी पाए जाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में जामुन का कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो निसंदेह यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पके हुए जामुन को 8 से 10 पीसेस को ही एक बार में खाना चाहिए। जामुन की एक खास बात यह होती है कि खाने के समय मुंह को झकड़ देती है, मुंह चल नहीं पाता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपका जो जामुन है अब वह अभी ठीक से पका हुआ नहीं है, क्योंकि पका हुआ जामुन कभी भी मुंह नहीं पकड़ेगा। जामुन को खाने से होने वाले फायदे इस प्रकार है। दांतों की देखभाल, अगर प्रेगनेंसी में ब्रश करते हुए महिला के मुंह से खून आ रहा है तो उसमें जामुन खाने से लाभ हो सकता है। पाचन दुरुस्त करता है। हम जानते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण माताओं का पाचन क्रिया ठीक नहीं होती। जामुन के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिससे पाचन क्रिया दुरुस्त हो सकती है और आपके गर्भस्थ शिशु का संपूर्ण पोषण होता है। अनीमिया को दूर करता है। मातृशक्ति, जामुन में आयरन और विटामिन की अधिकता होती है जिससे यह गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन से अनीमिया या थकान जैसी समस्या दूर होती है। ये हड्डी को मजबूत करता है। मातृशक्ति, जामुन बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है जो बच्चे की हड्डियों को मजबूत करने में बहुत सहायक होती है। मुंह के छाले, मातृशक्ति, अगर महिला के शरीर में गर्मी की वजह से या किसी और वजह से मुंह में छाले हो गए हैं तो जामुन खाने से उसमें लाभ मिलता है। डायबिटीज कंट्रोल में मदद करती है। मातृशक्ति, जामुन के अंदर ऐसे पोषक तत्व होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो शरीर के अंदर शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज महिला को नहीं हो पाती और जो महिलाएं लगातार जामुन का सेवन करती हैं उनके दिल को मजबूती भी मिलती है। जामुन में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स और विटामिन पाए जाते हैं जो दिल को मजबूत रखने का कार्य करते हैं। ऐसे में जामुन का सेवन महिलाओं को जरूर करना चाहिए, पोषण भरपूर मिल जाएगा। मातृशक्ति, अगर आप नियमित रूप से जामुन के कुछ पीसेस खाती हैं तो यह आपके पोषक को भरपूर मदद देता है। इसमें बहुत सारे विटामिन, आयरन, फाइबर, कैल्शियम होते हैं। कैंसर को दूर करता है। मातृशक्ति, जामुन खाने से कैल्शियम दूर होता है। जामुन खाने से बहुत सारे फायदे हैं, वहाँ जामुन खाने से कुछ नुकसान भी होते हैं। आइए जानते हैं नुकसानों के बारे में। मातृशक्ति, जामुन के इतने सारे फायदे नज़र आते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, ये भी आप अच्छी तरह जान लीजिए। सबसे पहले तो यह बात आपको बता दें कि अगर आपको जामुन से एलर्जी है तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, यह प्रेगनेंसी में हानिकारक हो सकता है। खाली पेट जामुन नहीं खाना चाहिए। जामुन खाने के बाद
दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अधिक मात्रा में जामुन खाने से खांसी की समस्या देखने को आ सकती है, कभी कभी बुखार तक आ सकता है। जामुन की ज्यादा मात्रा कभी नहीं खानी चाहिए, इसकी एक लिमिट निर्धारित कर लें। सिर्फ 8 से 10 जामुन ही आपको एक दिन में खाने चाहिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।